धनु राशि 16 से 23 अप्रैल 16 और 17 अप्रैल धनु राशि के जातकों के लिए शुभ तिथि है, अच्छी तिथि है, लाभ प्राप्त होगा। जबकि 18 और 19 अप्रैल ऐसी तिथि है जहां जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय पर जातक सावधान रहे, नए निर्णयों से बचे। आइए जानते हैं मास आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है धनु राशि वालों के लिए। शनि कुंभ राशि के होकर तृतीय भाव में है, सूर्य बृहस्पति मीन राशि के होकर चतुर्थ भाव धन भाव में बैठे हुए हैं, बुध शुक्र राहु मेष राशि के होकर पंचम भाव में है, मंगल मिथुन राशि के होकर सप्तम भाव में है, चंद्रमा कर्क राशि के होकर अष्टम भाव में है, केतु तुला राशि के होकर ग्यारहवें भाव में चलायमान है। 16 और 17 अप्रैल को जातक खुश रहेंगे, आप लोग खुश रहेंगे, आप में सकारात्मकता हावी रहेगी, आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दूर करके आगे बढ़ने की सोचेंगे, आप अपने अंडर जो काम करते हैं उनके व्यवहार कुशलता की तरफ आकर्षक होंगे तथा उन्हें डेवलप करने के लिए नए नए तरीके आप उन्हें सिखाएंगे। ईश्वर की आप पर इस समय पर विशिष्ट कृपा होगी। 18 और 19 को गतिरोध की स्थितियां बनेंगी, आप स्वयं को परेशानियां और अड़चनों से घिरा हुआ पाएंगे, इससे आप उदास रहेंगे, आपके परिवार वाले उपेक्षा करेंगे, स्वास्थ्य में भी परेशानी रहेगी, आप खरीदारी में ठगे जा सकते हैं। दिनांक 20 और 21 को समय में सुधार होगा, आपको उच्च स्तर का संतोष प्राप्त होगा, घर परिवार व व्यवसाय में शांति और सद्भावना आपके लिए बनी रहेगी, आप मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। 22 और 23 को उत्तम संपत्तिदायक दिवस रहेगा, कार्य तेजी पकड़ेंगे, जो कार्य पहले अटक गए थे वो यहाँ तेजी पकड़ेंगे, मौसम के अनुरूप खान पान का आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी हेल्थ को इम्पैक्ट आ सकते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम में आपका जाना हो सकता है और जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय पर श्री दुर्गा कवच का पाठ करके कन्या पूजन करना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा और पेय पदार्थों का भी आप इस समय पर दान कर सकते हैं।